झूठ बोलना पाप नहीं है। अक्सर हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। लेकिन महाभारत के अनुसार सच और झूठ दोनों ही परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। कभी सत्य बोलना भी पाप हो सकता है और कभी झूठ बोलना भी पुण्य का काम हो सकता है। महाभारत में वैसे तो कई स्थानों पर कुछ ऐसी झूठी बातों को पाप की श्रेणी से बाहर रखा गया है, लेकिन कर्ण पर्व में एक स्थान पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को असत्य बोलने के फायदे बताते हैं, जिन्हें बोलने से पाप नहीं लगता और वो सत्य से भी ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। तो कृष्ण ने क्यों झूठ बोलने के लिए कहा, इसे जानने के लिए आप हमारे द कर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने महाभारत में किन पांच अवसरों पर झूठ बोलने की आज्ञा दी है। इन पांच अवसरों पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। विवाह काले रति संप्रयोगे प्राणातिये सर्वधनापहारे विप्रस्य चारथे अनृतम् वदेत पंचामृतानया उर्पातकानि। अर्थात एक, किसी का विवाह तय कराने के वक्त। दो, अपनी पत्नी से प्रेम करते वक्त। तीन, अपने या किसी के प्राणों को बचाने के लिए। चार, अपने या किसी के धन को लूटने से बचाने के लिए। पाँच, ब्राह्मणों की भलाई के लिए। किसी का विवाह तय कराने के वक्त अगर आपको ये लगता है कि आपके थोड़े से झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह हो सकता है, तो आप थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं। आप उस लड़की की थोड़ी झूठी तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि इससे उस लड़की का विवाह हो सकता है और वो सुखी जीवन जी सकती है। अपनी पत्नी से प्रेम करते वक्त कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी पत्नी बहुत सजी सवरी या सुंदर नहीं दिख रही हो, लेकिन आप उनका मान रखने के लिए उनकी सुंदरता की थोड़ी झूठी तारीफ कर सकते हैं। इससे आपका अपनी पत्नी से प्रेम बढ़ जाता है। ऐसे झूठ से लाभ ही लाभ है। अपने या किसी के प्राणों को बचाने के लिए कई बार आप या आपका कोई मित्र किसी ऐसे हत्यारे के सामने आ सकते हैं जिससे आपकी या आपके मित्र की जान जा सकती है। ऐसे में आप थोड़ा झूठ बोलकर अपनी या किसी की जान बचा सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि कोई आपके घर में जान बचाने के लिए छिपकर बैठा हो, तो आप कह सकते हैं कि आपके घर में कोई नहीं है। अपने या किसी के धन को लूटने से बचाने के लिए कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप किसी मुकदमे या ऐसी मुसीबत में फंसे हों जिससे आपकी सारी संपत्ति लूट सकती है और आपके खाने पीने पर भी संकट आ सकता है। ऐसे में आप उस मुकदमे या मुसीबत की स्थिति में झूठ बोल सकते हैं। ब्राह्मणों की भलाई के लिए, ये आपको विवादास्पद लग सकता है, लेकिन ब्राह्मणों से तात्पर्य विद्वान लोगों से हो सकता है। जिस समाज में विद्वान लोग होते हैं, वही समाज सभ्य और शिक्षित हो सकता है। ऐसे में किसी ब्राह्मण या विद्वान की जान बचाने या उसकी रक्षा के लिए भी झूठ बोला जा सकता है।